तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं मुझे, सर इस कॉलेज के बारे में बताओ हमें कैसा है कॉलेज। और कॉलेज का नाम है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख पॉलिटेक्निक अमरावती, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि एडमिशन का प्रेल चल रहा है, बराबर। और हम बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस का भी रिव्यू कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो, एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ सके कि भाई कॉलेज कैसा है और ये कॉलेज को मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ। आफ्टरऑल डिसीजन तो आपको खुद को ही लेना है, आपको खुद को भी रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बराबर। तो नॉर्मली हम क्या क्या देखते हैं कॉलेज के बारे में, जैसे कि इंस्टीट्यूट का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कोर्सेस अवेलेबल कौन से हैं वहाँ पर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है या नहीं, हॉस्टल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फीस स्ट्रक्चर देखते हैं और लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देखते हैं, बराबर। और मैं आपको बता दूं, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं महाराष्ट्र में, सबका रिव्यू हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बराबर। जाके आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, बराबर। और हम क्या कर रहे हैं अभी, अनएडेड कॉलेजेस मतलब प्राइवेट कॉलेजेस का रिव्यू अब कर रहे हैं, जितना हो सके उतने में ज़्यादा कॉलेजेस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बराबर। और कमेंट में ज़रूर बता देना यार किसी कॉलेज का नाम डाल दीजिए कमेंट में, मैं उसका रिव्यू करने की कोशिश ज़रूर करूंगा, बराबर। और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट में इस कॉलेज का नाम डाला था तो मैंने ये कॉलेज पिक किया है, बराबर। जितने भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकी है इस कॉलेज के बारे में, सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बताऊँ मैं आपको, इंस्टीट्यूट की बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी, ये ट्रस्ट के अंदर ये कॉलेज चलता है। कॉलेज का नाम है पॉलिटेक्निक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख पॉलिटेक्निक अमरावती, बराबर। तो ये डिप्लोमा का कॉलेज है, मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ओके। डीटीए की अमरावती रीजन में आता है, एड्रेस है शिवाजी नगर अमरावती, बराबर। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोर्स अमरावती है और पिन कोड भी देख सकते हो 1956। अभी मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी कॉलेज पुराना है, बराबर। तो 1956 मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जब से थे तब से ये कॉलेज यहाँ पर है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट है या नहीं ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तालुका अमरावती है, वेबसाइट का एड्रेस को आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद एक ऑफिशियल ईमेल आईडी है कॉलेज का, बराबर। अगर आप इस कॉलेज को फिजिकली विजिट करना चाहते हो, ऑफकोर्स अगर आप कॉलेज को मिलता है तब तो आपको जाना ही पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। फिर भी आप अगर जाना चाहते हो तो अमरावती रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा, अमरावती बस स्टैंड से 3 किलोमीटर है। और अमरावती इस कॉलेज के पास में जो नागपुर का नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, बराबर। तो एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है, बाय ट्रेन ये काफ़ी मतलब आपको कम्युनिकेशन अच्छा पड़ेगा, ओके। तो आगे देखते हैं यार हॉस्टल के बारे में। तो यहाँ पर बता दो यार, अनफॉर्चुनेटली बॉयज़ हॉस्टल इज़ नॉट अवेलेबल बोल रहा है, बराबर। गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है लेकिन यार काफ़ी कम इंटेक है यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में, तो 10 ही गर्ल्स का लिए इंटेक है, 10 लड़कियाँ सिर्फ है, बराबर। तो आगे बात करते हैं, सबसे अच्छी बात इस कॉलेज की मैं बता दूँ, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। गवर्नमेंट एडेड मतलब गवर्नमेंट 3 टाइप होते हैं, बराबर। गवर्नमेंट होता है फुल्ली गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एडेड होता है, और अनएडेड होते हैं मैक्सिमम कॉलेज, तो अनएडेड है, बराबर। गवर्नमेंट कॉलेज 30-40 गवर्नमेंट कॉलेज है और कुछ गवर्नमेंट एडेड भी है, बराबर। तो ये अच्छी बात होती है प्राइवेट कॉलेजेस से, तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है ये नॉन ऑटोनोमस है, बराबर, और ये नॉन माइनॉरिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कौन से कोर्सेस अवेलेबल, जैसे कि आप देख सकते हो सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग 1956 में शुरू हुआ था, बराबर। इसलिए नाम थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग होता है हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे रूरल, ये तब ये ब्रांच चलती थी, तो अब ये अभी तक इन्होंने नाम चेंज नहीं किया है तो वही नाम है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये 2 बार क्यों है ये मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक, ये भी 2 बार क्यों है, सेम नाम 2 बार क्यों है हम बताएंगे, बराबर। तो कंप्यूटर में टोटल इंटेक है 30-30 दोनों में भी, 30-30, और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दोनों में भी 30-30, बराबर, और सिविल का 60, तो टोटल इंटेक बन जाता है सिर्फ 180, बराबर। तो कॉलेज पर्सनली तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कॉलेज में कभी विजिट नहीं किया हूँ, बराबर। कॉलेज के बारे में ज़्यादा नहीं चीज़ें जानता मैं, कॉलेज को कभी गया नहीं इस, लेकिन आप खुद वहाँ पर जाके विजिट करके ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बराबर। कॉलेज ज़रूर कंसिडर कर सकते हो आप, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, कोर्सेज की फ़ी देखते हैं, बराबर। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये दो दो बार क्यों है, बराबर। तो ये ग्रांटेड और नॉन ग्रांटेड है। यहाँ के 2 ब्रांचेस जो है, ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सिविल, ये 3 ब्रांचेस ग्रांटेड है, मतलब गवर्नमेंट एडेड में आता है, बराबर। गवर्नमेंट ग्रांटेड, और ये जो 2 है
ये कंप्यूटर है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये प्राइवेट में आता है, मतलब ग्रांटेड में नहीं है, बराबर। मतलब अब देखते हैं उसके बारे में, ठीक है, अनएडेड बोलते हैं उसको। ये तीन जो है ग्रांटेड है और ये दो जो है अनएडेड है, मतलब जैसे कि प्राइवेट कॉलेज होता है वैसे ही ये दो ब्रांचेस है, और गवर्नमेंट एडेड के अंदर ये तीन ब्रांचेस आती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं यार फीस स्ट्रक्चर कॉलेज का। तो फीस स्ट्रक्चर के अंदर पहले ग्रांटेड जो तीन कोर्स है उसका देखते हैं। अगर उसमें आपके एडमिशन हो जाता है तो आपको ट्यूशन फी लगेगा 6,000, 1,000 डेवलपमेंट फी, अदर फी 550 और एग्ज़ाम फी 600। ये तीनों को ऐड कर लीजिए, आई थिंक ये तकरीबन कितना बन जाता है, 6, 7 और 8,000 के आसपास बन जाता है सिर्फ, बराबर। तो मैं आपको बता दूँ बहुत कम ही फीस है, और ये जो फीस है ना आई थिंक 1-2 साल पुरानी फीस है, इसमें थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, और 10,000 के आसपास आप पकड़ के चल सकते हैं। तो 2019-20 का फीस है, तो अभी 10,000 के आसपास पकड़ चलते मतलब अनएडेड कोर्सेज का। अभी दो अनएडेड थे उसका फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वहाँ पर ट्यूशन फी था 22,000, ट्यूशन फी है 22,000 था, अभी बढ़ गया होगा बराबर, और ये 2,000 है और ये 600 है, मतलब ये तीन पकड़ते हैं और ये 22, मतलब टोटल 25,000 तक ये था, लेकिन इस साल ये आई थिंक बढ़ गया होगा 1-2 साल में, 4-5 हज़ार तो बढ़ जाता है बराबर। तो ये 30,000 के आसपास आप पकड़ के चल सकते हो बराबर। उसके बाद देखते हैं यार डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों का, बराबर। डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों के ग्रांटेड कोर्सेज कौन से हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों में कितनी सीटें देखते। तो पहले जो तीन ग्रांटेड सीटें डायरेक्ट सेकंड ईयर में, सिविल में 6 सीट है, और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में 3-3 है, और बाकी सब फर्स्ट ईयर के होंगे सेकंड ईयर में। और डायरेक्ट सेकंड ईयर नॉन ग्रांटेड जो है, मतलब अनएडेड कोर्सेज में डायरेक्ट सेकंड ईयर के तीन स्टूडेंट्स आएंगे, बाकी सब फर्स्ट ईयर के होंगे, ठीक है। 10% कोटा होता है, मतलब अगर 30 है टोटल तो 3 क्या होगा डायरेक्ट सेकंड ईयर के आएंगे, अगर टोटल 60 इंटेक है तो 60 का 10% कितना होता है 6 होगा, उतने डायरेक्ट सेकंड ईयर में, डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन से बच्चे आएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो मेन बात करते हैं कट ऑफ। ये दो अलग अलग टेबल्स बनाए हुए हैं क्योंकि इस कॉलेज में दो अलग अलग टाइप के कोर्सेज थे। ए एडेड का टेबल है जो भी तीन कोर्सेज है, गवर्नमेंट एडेड और ये अनएडेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ सकते हो यार, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बता देता हूँ, बराबर। जिन लोगों ने 10वीं होम डिस्ट्रिक्ट मतलब अमरावती डिस्ट्रिक्ट से किया है उनके लिए ये कट ऑफ है, और जिन लोगों ने 10वीं अमरावती डिस्ट्रिक्ट से बाहर से किया है उनके लिए ये कट ऑफ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे बात करते हैं तो ओपन के लिए 84 अभी जो लेटेस्ट फर्स्ट राउंड का कैप राउंड का ये रिलीज हुआ है ना कट ऑफ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वही है ये। तो 84 को हुआ था, एससी के लिए 77, एसटी के लिए 75, एनटी के लिए 80, ओबीसी के लिए 83, कंप्यूटर का भी देख सकते हो 91, 89, 78, 88, 91, ये कैटेगरी वाइज है बराबर। और अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ पे आप देख सकते हो, EWS, TWS का भी यहाँ पे देख सकते हो क्या कट ऑफ लगा है बराबर। इसी तरह से वीडियो को पॉज कीजिए, सारे के सारे कोर्सेज का आप ठीक से पढ़िए, अगर आपको इंटरेस्ट है इस कॉलेज के बारे में और आपका स्कोर अगर इसके आसपास मैच करता है और ये कॉलेज आपने रिसर्च किया और आप खुद इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो ज़रूर इस कॉलेज को अप्लाई कर सकते हो बराबर। डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ेगा। तो यार कोई भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो या फिर कोई ऐसा है जो इस कॉलेज से पढ़ा है, पास आउट हुआ है, वो इस कॉलेज के बारे में कुछ खास बात जानता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकता है, बाकी लोगों को हेल्प हो जाएगी बराबर। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको, तो क्या करेगा यूट्यूब खुद इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं यार एक और ऐसे ज़बरदस्त वीडियो में।